ये तीन चीजें आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए अगर आप 15 के हो गए हैं या होने वाले हैं। नंबर वन, आप इस एज में बहुत सारे बॉडी चेंजेस से गुजरते हैं, या तो आप अचानक से बहुत थिन हो जाते हैं या ओबेस हो जाते हैं, बहुत एक्नेज इश्यूज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप अपने आपको बहुत जज करने लगते हैं और इनकॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। प्लीज रिमेंबर, इट्स जस्ट अ फेज, बहुत जल्दी पास हो जाएगा एंड यू विल टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स। नंबर टू, आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा टोका टोकी करने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ये गलत है। तो बच्चों, वो बस आपको लेके प्रोटेक्टिव है, वो चाहते हैं आप किसी बुरी संगत का हिस्सा ना बने और आप अपनी लाइफ में अपने बेस्ट वर्जन बने। अगर आपको लगता है कभी भी कोई क्लैश है, आपको लगता है आप सही कर रहे हैं बट पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहे, उनसे बैठ के बात करने की कोशिश करिए, वो बिल्कुल समझेंगे एंड प्लीज रिमेंबर दे आर नॉट योर एनिमी। नंबर थ्री, बुली करना बुली सहना दोनों एकदम गलत है। अगर आपको लगता है बुली करके आप बहुत ही कूल एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, सरासर खराब मेंटालिटी है, आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। और बुली सहना तो उससे भी खराब बात है क्योंकि आप बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को जो बुली करते हैं। बुली होने की वजह से बहुत ज्यादा इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं लाइफ में और इनसिक्योर भी हो जाते हैं, जो आपको लाइफ में आगे कहीं नहीं लेके जाएगा। तो रिमेंबर, से नो टू बुलिंग एंड रिपोर्ट दिस टू योर एल्डर्स और योर टीचर्स।